इस लेक्चर में स्कैटर डायग्राम या स्कैटरग्राम तालिका से स्कैटरग्राम बनाना सीखेंगे। तो उसमें जो पद आते हैं, चरण आते हैं, उन सोपानों के बारे में सीखेंगे। तो उन सोपानों को पहले मैंने क्या करा है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के रूप में या थ्योरी के रूप में सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं। अगले लेक्चर में स्कैटर डायग्राम पूरी तरह से, केवल स्कैटर डायग्राम ही सीखेंगे। तो वहाँ पर ये जो सोपान इस लेक्चर में बताऊँगा मैं पार्ट थ्री में, वो सारे के सारे यूज़ होंगे। कोई पॉइंट अगर इस थ्योरी में अगर नहीं भी क्लियर होता है तो वहाँ पर जब बताएंगे तो वो पॉइंट भी प्रैक्टिकल रूप में वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। स्कैटरग्राम तालिका बन जाने के पश्चात स्कैटरग्राम तैयार करते हैं। इस स्कैटरग्राम को तैयार करने में जो भी चरण आते हैं वो निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम एक्स चर एवं वाई चर में मध्यमान की कल्पना करते हैं। पार्ट टू में देखो ये मैंने बनाया था, ध्यान से एक बार से फिर से देख लो। इसमें एक चीज़ और है, यहाँ थोड़ी सी कटिंग हो गई है, अपने लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा पार्ट टू में। यहाँ पर ये हिंदी में प्राप्तांक एक्स वेरिएबल है और ये वैल्यू एफ वाई आई है। तो कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर अक्ष से मतलब नहीं है कोई। ये एक्स वेरिएबल है तो ये एफ वाई लिख सकते हैं, और ये वाई वेरिएबल है तो एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि ये वाई वेरिएबल है तो ये वाई वेरिएबल है, तो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये वाई वेरिएबल है तो इसीलिए ये एफ वाई है, और ये एक्स वेरिएबल है इसलिए ये जो पॉइंट है ये सारे एफ एक्स हैं। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, इसको एक्स से रिजम्बल नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम एक्स चर एवं वाई चर में मध्यमान की कल्पना करते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण प्रस्तुत है उसमें दोनों चरों का मध्यमान 40-44 वर्ग अंतराल के अंतर्गत माना गया है। इसके पश्चात एक एग्जाम्पल लिया है तो इस वाले में ले लिया वर्ग अंतराल में। इसके पश्चात दोनों चरों में जिस वर्गांतर में मध्यमान की कल्पना की है वहाँ पर शून्य रखते हैं। तो यहाँ पर मध्यमान की जो कल्पना हमने की है वो 40 से 44 वर्ग अंतराल के बीच में की है, वहीं पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर की है। और शून्य से जिस ओर वर्गांतर बढ़ते जाते हैं उस ओर क्रमशः +1, +2, +3 इत्यादि लिखते जाते हैं, और कल्पित मध्यमान से जिस तरफ वर्गांतर घटते जाते हैं उस तरफ क्रमशः -1, -2, -3 आदि लिखते जाते हैं। तीसरा चरण क्या है, सोपान क्या है, इस प्रकार x तथा y चर के उपरोक्त सभी विचलनों को क्रमशः x डैश और y डैश कॉलम बनाकर उसमें लिख लेते हैं। कुछ बुक में इसको x और y स्मॉल ही लिखा है, डैश नहीं लगाया है, इसको बोलते हैं x डैश या x प्राइम भी बोलते हैं। चौथा पॉइंट, अगले चरण में f तथा y प्राइम कॉलम की संख्याओं का गुणा करके एफ वाई प्राइम कॉलम बनाया जाता है। तत्पश्चात एफ वाई प्राइम कॉलम की सभी संख्याओं का गुणा एफ वाई कॉलम की संख्याओं से किया जाता है। इस प्रकार एफ वाई डैश स्क्वायर कॉलम का निर्माण किया जाता है, और इस कॉलम में सभी एफ वाई डैश स्क्वायर मानों को लिखते जाते हैं। इसके पश्चात प्राप्त कॉलम एफ वाई डैश के सभी मानों का योगफल निकालकर समेशन एफ वाई डैश के मान को निकालते हैं, तथा एफ वाई डैश स्क्वायर कॉलम के सभी मानों को प्राप्त कर समेशन एफ वाई डैश स्क्वायर के मान को ज्ञात करते हैं। अगले चरण में एफ तथा एक्स डैश कॉलम की संख्याओं का गुणा करके एक कॉलम एफ एक्स डैश नीचे की ओर बनाते जाते हैं, या पंक्ति कह लीजिए, पंक्ति बनाते जाते हैं। तत्पश्चात एफ एक्स कॉलम की सभी संख्याओं का गुणा एक्स डैश कॉलम की संख्याओं से करते जाते हैं और एक एक करके लिखते जाते हैं, और इस प्रकार
एफ एक्स डैश स्क्वायर कॉलम को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलम कहने से अच्छा है इसको आप पंक्ति भी कह सकते हैं, और इसके अंतर्गत सभी एफ एक्स डैश स्क्वायर मानों को एक एक करके लिख लेते हैं। इसके पश्चात प्राप्त कॉलम एफ एक्स डैश के सभी मानों का योगफल प्राप्त करके समीशन एफ एक्स डैश के मान को प्राप्त करते हैं, तथा एफ एक्स डैश स्क्वायर कॉलम के सभी मानों को प्राप्त कर समीशन एफ एक्स डैश स्क्वायर के मान को ज्ञात करते हैं। अगला सोपान क्या है? एक्स डैश वाई डैश के मूल्यों को ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसमें सर्वप्रथम एक्स डैश वाई डैश मूल्य ज्ञात करने होते हैं। प्रत्येक खाने के लिए दोनों मूल्यों को ज्ञात करके गुणा करते हैं, फिर गुणनफल को खाने में ऊपर दाएं हाथ कोने में गुणनफल लिख देते हैं। यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया है, उदाहरण के लिए 60 से 64 वर्गांतर वाले कॉलम में सबसे ऊपर खाने में दाएं हाथ ऊपर कोने में दाईं तरफ राइट हैंड साइड में 12 लिखा हुआ है। यह वाई डैश कॉलम के विचलन +3 तथा एक्स डैश कॉलम के विचलन +4 का गुणनफल है। तालिका में देखने पर वाई डैश कॉलम के विचलन +3 तथा एक्स डैश पंक्ति के विचलन +4 का मीटिंग पॉइंट 60-64 वर्गांतर कॉलम में ऊपर का सबसे पहला खाना है। अब इस खाने में +12 एवं 4 का गुणा करके +48 उसी खाने में बाईं ओर नीचे कोने में लिख देते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्येक खाने में करनी पड़ेगी। इसके बाद जो सोपान है वो ये है, एक्स डैश तथा वाई डैश कॉलम के विचलनों का गुणा करके प्रत्येक खाने में लिखते समय धन तथा ऋण चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, प्लस और माइनस चिन्हों का ध्यान रखेंगे। जहाँ ऋण चिन्ह होगा तालिका में बताए गए अनुसार चिन्ह सहित ऋण अथवा धन चिन्ह अंकित करते जाएंगे। इस प्रकार सभी x तथा y चर के विचलनों का योग करके संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तत्पश्चात समीशन x डैश y डैश स्तंभ बनाते हैं। समीशन x डैश y डैश कॉलम में बाईं से दाईं ओर को प्रत्येक खाने में नीचे कोने में लिखी हुई संख्याओं का योग है। इस प्रकार y चर का समीशन x डैश y डैश कॉलम स्कैटरग्राम के प्रत्येक खाने में बाईं से दाईं ओर पंक्ति के रूप में नीचे कोने में लिखी संख्याओं का योग है। प्रत्येक पंक्ति या कॉलम के समीशन x डैश y डैश के मूल्य ज्ञात करते समय धन तथा ऋण चिन्हों को भी ध्यान में रखते हैं, तथा समीशन x डैश y डैश के दो कॉलम क्रमशः धन एवं ऋण चिन्हों के लिए अलग अलग बनाकर फिर समीशन x डैश y डैश का एक और कॉलम का निर्माण करके अंतिम परिणाम x डैश y डैश का मान इसमें लिखते हैं। 11वां सोपान है, इसी प्रकार जैसे हमने y के लिए किया वैसे ही हम x के लिए करेंगे। ये पूरा हमने y के लिए किया, ये x के लिए। इसी प्रकार x चर के लिए समीशन x डैश y डैश कॉलम स्कैटरग्राम के प्रत्येक खाने में ऊपर से नीचे की ओर प्रत्येक खाने के बाईं ओर कोने में लिखी हुई संख्याओं का योग है। प्रत्येक स्तंभ और पंक्ति के समीशन x डैश y डैश का मूल्य ज्ञात करते समय धन तथा ऋण पॉजिटिव एंड निगेटिव चिन्हों को ध्यान में रखते हैं। 12वां सोपान क्या है? x चर तथा y चर का समीशन x डैश y डैश कॉलम तथा पंक्ति का जोड़ हमेशा सदैव समान आता है। यहाँ पर जो उदाहरण लिया गया है उसमें यह योग 111 है। अंत में सूत्र की सहायता से सहसंबंध गुणांक की गणना करते हैं। R is equal to summation x dash y dash upon n minus cx cy upon sigma x sigma y। तो आज इस लेक्चर में हमने
स्कैटर डायग्राम जो फाइनल हमें बनाना है उसके सोपान क्या क्या हैं वो हमने यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में सारे बताए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट फोर में हम स्कैटर डायग्राम इन 12 सोपानों की मदद से बनाएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोज़।